हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट मैं इसलिए जा रही हूँ कि कल को है बट सावित्री, तो मुझे बट सावित्री के व्रत का सामान लाना है। अपना तो लाना ही है, ये और लोगों का भी लेके आना है। तो अब मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ मार्केट, और आज मैं पैदल मार्केट जा रही हूँ, तो आपको दिखाते हुए जाऊँगी कि मैं कौन से रास्तों से जा रही हूँ और कौन कौन सी मार्केट में जा रही हूँ और यहाँ की फेमस दुकानें कौन कौन सी। तो चलिए मेरे साथ, आप भी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए रानीखेत की मार्केट। तो गाइस, हमने ले लिया है शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट है हमको 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देगा, जरूरी बाजार से सदर बाजार में पहुंचा देगा। बचपन में हम इसके कितने चक्कर काटते थे ऊपर नीचे, लेकिन आज मेरी 2 ही सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लग गई है। अभी ऊपर जाने तक पता नहीं कितनी फूलने वाली है। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। आधी दूरी तय कर ली है हमने, आधी और रह गई है। तो अभी 2 मिनट में हम ऊपर बाजार पहुंच जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ऊपर। सारी सीढ़ियाँ हमने पार कर ली है और हमें 1 से 1.5 मिनट लगा। और ये है सदर बाजार हमारे वहाँ की। हो गया, इसको डोर बोलते ना। तो हम ये डोर खरीद रहे हैं बट सावित्री के व्रत के लिए। 5 रुपए का एक डोर है, 5 डोर ले रही हूँ मैं। और क्या चाहिए होता है? और एक ही रक्षा सूत्र भी दे दीजिए। पट्टा तो नहीं चाहिए, वहाँ मंदिर में करेंगे ना हम। हाँ, एक रक्षा सूत्र दे दीजिए। 2 कोन मेहंदी के भी ले रहे हैं हम। नोटों की माला दिखाई दे रही है यहाँ पे, बढ़िया सी। ए, नोटों की माला कितने की है? अच्छा अच्छा, सुनो और भी लेना? नहीं बस हो गया, पैसे दे दो। और ये है सदर बाजार, देखिए कितनी चहल पहल हो रही है सदर बाजार में। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। गाइस, अभी हमें लेनी है चूड़ियाँ, तो अब हम चूड़ियों की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं चूड़ियों की दुकान मिल जाए तो। कहाँ? यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो वो मंदिर का सामान की दुकान है। यहाँ कहाँ मिलेगी ये है, लेकिन यहाँ तो ऐसी चूड़ियाँ मिल रही हैं। देख लेते हैं। तो ये है चूड़ियों की दुकान यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। भैया, चूड़ियाँ चाहिए थी, डिब्बे वाली हैं आपके पास? रानी कलर की हैं, दिखा दीजिए। हैं साइज? अभी दिखाती हूँ मैं आपको साइज। हाँ, एक तो मेरे ही साइज की दे दो ये। रानी? हाँ, लाल और रानी। मेहंदी की कौन ले ली? मंगल सूत्र कैसा दिखाइए था? पनी को देने नहीं चाहिए या यूज के लिए चाहिए? ना देने को, ये ले ही लिया है, वो ले लेंगे छोटी वाली सुहाग कुटारी ना एक। हाँ, बस कितना कितना हो गया ये, कितने का क्या हुआ? रौतेला मिष्ठान भंडार से हम खरीद रहे हैं पंच मिठाई कल के लिए। बड़ी बड़ी गुजिया कितनी बड़ी गुजिया है, शादी में डाली जाती है जो पेटियों में, और बड़े से बतासे भी दिखाई दे रहे हैं। खूब सारा इस दुकान में देख लेते हैं, उसी के लिए बट सावित्री के लिए। रात हो चुकी है और लाइटें जल चुकी हैं,
तो ये देखिए रानीखेत बाजार का नज़ारा कितना शानदार है, कितनी खूबसूरत लग रही है रानीखेत की बाजार। घूमने में भी मज़ा आ रहा है, और इस समय घूमने में टहलने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी सी दूर में हम पहुंच जाएंगे गांधी चौक, है ना, आगे गांधी चौक तो है। मैं तो अब सब भूल गई हूँ, 25 साल में मुझे ऐसे घूमने का मौका मिल रहा है। अपने मायके आते रहना चाहिए यार, नहीं तो सब कुछ भूल जा रहे हैं हम तो अपने ही घर को। और हम पहुंच चुके हैं गांधी चौक में, और यहां से हम नीचे को यहीं से निकल ले क्या? नहीं नहीं, वहां से शिव मंदिर होते हुए चलो। तो अब हम यहां से नीचे को चले जाएंगे शिव मंदिर के रास्ते, आए उस रास्ते से थे जा इस रास्ते से रहे। मोमो खाने आए थे यहाँ पर, तो सारे मोमो खत्म, पूछ लिए हमने, खत्म हो चुके हैं मोमो, खत्म हो चुके हैं। बाबा स्वीट्स में जा रहे हैं, समोसे छोले चाट खाने, देखते हैं अभी कुछ बचा या नहीं बचा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट सीजन हो रहा है इसलिए कुछ मिलना मुश्किल हो रहा है। तो हम पहुँच गए हैं बहुत पुरानी फेमस दुकान है। पहले पूछ ले भाई, कुछ है नहीं है यहाँ भी, तो तवा खाली दिख रहा है, कुछ है टिक्किया है क्या, चलो सब खत्म। मीत है हमारे भांजे, जीते रहना बेटा। तो अब हमको मोमो तो कहीं मिले नहीं, हमने कहा मोमो का फोटो फोटो ही मिल जाए, मोमो का फोटो ही मिल जाए। मोमो का फोटो यहाँ तो है, आगे वहाँ खत्म हो चुके सारे, आगे भी है। मतलब दुकान का नाम बताइए आपके, दुकान का नाम बताइए। शाह ग्लास हाउस के मालिक हैं, अगर आपको ग्लास चाहिए तो संपर्क करें। और वैसे महाराज की फोटोज, हाँ, और क्या क्या मिलता है अमित? हारमोनियम, ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, ढोलक, मजीरा सब मिलता है यहाँ। अब हम पहुँच चुके हैं जगत जलेबी चाट हाउस में। भैया कुछ है? सब खत्म। तो गाइस सब खत्म हो चुका, अब हमको घर जाके रोटी खानी पड़ेगी। ये थे हमको चाउमीन मिलेगा, चाउमीन ही खा लो यार, दो दिन खा लो, थोड़ा थोड़ा चाउमीन ही खा रहे। हमारे भतीजे ने भेजा था आज की दुकान में, हमको ये क्या, ये भी तो है मोमोज, रुको ना। हाँ एक मिनट रुको रुको, यहाँ देख रहे हैं मोमोज है, हाँ। चलो फाइनली हमको मोमोज मिल गए हैं गाइस, और हम पहुंच गए हैं दुकान में। वेज होंगे ना? हाफ खाएगी, फुल हाफ लो पे ले दो, मतलब दो हाफ दे दीजिए। दो हाफ, बड़ी मुश्किल से मोमोज मिले हमको, दिया क्या, और लेकिन एक प्लेट में एक कम हो गया। घर को भी ले जाने थे, अब नहीं हो पाएंगे ना भैया। विक्की दा के मोमोज बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मैं बोलती हूँ। इधर मोमोज खा लिए हमने, और विक्की दा के मोमोज फर्स्ट क्लास नंबर वन। कल को हम आएंगे तो पूरे रख देना, हमारे ब्लॉग बना रही मैं। और ये है कमलापति जी की फेमस दुकान, जहाँ हम आते थे समोसे और जलेबी खाने के लिए। हाँ अभी मिल रहे होंगे, मैं आया करते थे, खूब जलेबियाँ ले जाते थे, और दुकान अभी भी चल रही है बढ़िया, जरूरी बाजार में। गिरीश चंद सा, हाँ भाइयों की बहन, हाँ कैसे हो रहे हो आप? ठीक, मम्मी
मम्मी यही है, तबीयत खराब हो रही, उन्हीं को देखने आ रहे हैं हम। बहुत काफी समय से नहीं देखा उनको। हाँ तबीयत खराब हो रही ना। दुकान के दर्जे हमारे घर पे बहुत होते हैं, तो मैंने इनसे कहा मुझे आज दिखाओ कहाँ है। कह रहे दिखाओ दिखाओ, मैंने कहा चलो फोटो ब्लॉग ही बना देते हैं। जलेबी और समोसे। हाँ जलेबी और समोसे फेमस है आपका। आपकी तो बहुत फेमस है, आपके पिताजी के जमाने से। छोटे छोटे थे हम, एक एक रुपया लेके आ जाते थे। बाबू से अच्छा हुआ आपके हम अलमोड़ा। हाँ एक किलो तो बहुत हो जाएगी, कोई खाएगा नहीं। ये देखो टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया जलेबी बन रही है। परसों भी खाई हमने आपके यहाँ की जलेबी, कोई लेके आया था। पहले तो बहुत जाती थी। आप लोग मीठा कम खा रहे हैं ना शुगर की वजह से, इसलिए। लेकिन आपका नाम बहुत है। ऐसा करो ना आप हमको आधा किलो दे दो ये। अच्छा वहाँ पर ले जा लेते दादा लोग। अब हम आए हैं तो बनवा के ले जा ही लेते हैं, गर्मा गर्म बन रही है तो। तुम वो भी ले लो क्या, वो चॉकलेट वाला। ए देखिए क्या मस्त जलेबियाँ बन रही हैं, जितनी खूबसूरत देखने में लग रही उससे ज़्यादा टेस्टी खाने में टेस्टी होंगी। अभी तली जा रही है, फिर इस पानी इसमें डाला जाएगा, ये पाग में चीनी के। अरे हाँ चॉकलेट ले है, चॉकलेट में युविन मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। युविन खुश हो रहे हैं, देखो भाषण सुन के मोदी जी का, वंदे मातरम सुन के, वंदे मातरम सुन के खुश हो रहे हैं। युविन सो जाओ बाबू, सो जाओ जरा। हाँ नुनू करो पिलो पे।